राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि संसद में पेश 2022-23 के आम बजट से जनता को घोर निराशा हुई है। केंद्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट काल्पनिक साहित्य जैसा है। पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, अब 60 लाख बजट की बात की गई है, जबकि हकीकत है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने 2020 में 6.4 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में ढकेल दिया गया। बहुत हो हल्ला था कि कोरोना के बाद ऐसा बजट होगा जो देश का कायाकल्प हो जाएगा। सरकार के एक सदस्य होने के नाते हम कह सकते हैं कि आम लोग और गरीब ही होंगे। आइए सुनते हैं वित्त मंत्री को। काम हुआ है, लोगों को दुखी किया गया, रोजगार घटे, रोज पढ़ते हैं हम लोग। लॉकडाउन के पीरियड में और उसके बाद के पीरियड में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, अभी तक उनको रोजगार मिल नहीं पाया। तो 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने का क्या मतलब है? पहले तो कोरोना से पहले जो रोजगार की स्थिति थी, ऐसी अर्थव्यवस्था चलाइए कि वो उस पर आ जाए, नौकरियां उतने हो जाए, तब बात कीजिए 60 लाख नौकरी बढ़ाने का, अतिरिक्त नौकरी बढ़ाने का। ये सिर्फ वादा रह जाएगा, जैसे 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देंगे या नौकरियों के लिए अवसर पैदा करेंगे, उसी तरह से 60 लाख अतिरिक्त नौकरियों की भी बात बेमानी है, ये कहना चाहेंगे। हम इंतजार कर, महंगाई बढ़ी है तो जो फिक्स सैलरी के लोग इन्फ्लेशन के चलते उनका रियल इनकम है घटा है, रियल इनकम घटा है तो उनकी मांग थी कि टैक्स डिडक्शन के सीमा को बढ़ाया जाए ताकि उनके पास अधिक पैसे बचें और इस इन्फ्लेशन का, इस महंगाई का वो मुकाबला कर सकें। इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई डिडक्शन नहीं घटाएगा, सीमा नहीं घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया गया। तो ये जो है फिक्स सैलरी, आजकल फिक्स सैलरी वाले की संख्या बहुत हो गई है राज्यों में, देशों में, टोटल देश में ज्यादा निराशा हाथ लगी है, ये हम कहना चाहेंगे। चर्चा ये भी होनी चाहिए कि महंगाई को कैसे कम किया जाए। आज का सच्चाई है कि महंगाई से हम लोग जूझ रहे हैं, महंगाई को कम करने का कोई उपाय इसमें नजर नहीं आता, इसलिए भी ये बजट फेल है, जनता की अपेक्षा के विपरीत है, मैं ये कहना चाहूंगा। फिर दिक्कत होती है जगह जगह जाने में, ट्रेन नहीं है, रेलवे लाइन है लेकिन फेरी नहीं ज्यादा रहने के कारण हमको 12 घंटा 18 घंटे इंतजार करना पड़ा, एक ट्रेन अभी आई तब दूसरी ट्रेन 12 घंटे के बाद आएगी यहां का गंतव्य स्थान जाने के लिए। 300 ट्रेन बोले हैं लेकिन कहां कहां कितना होगा ये नहीं है, ऐसा हम बजट नहीं देखे। पहले के बजट में ये यूपीए सरकार के कांग्रेस रिजीम में होता था कि इस राज्य में इतनी ट्रेनें दी जाएंगी जो यहां यहां से चलेगी, अस्पष्टता है इसमें, ये लोग इसको कह रहे हैं बराबर। किसान को दोगुनी आय तो उससे निर्मला सीतारमण ने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी एमएसपी के थ्रू, तो किस तरह से देखते हैं? हम लोग बच्चे नहीं है, यहाँ के किसान बच्चे नहीं है, एमएसपी में कितना बढ़ाएंगे, 50 रुपया बढ़ाएंगे, 60 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाएंगे, दोगुनी कैसे हो जाएगी, कैसे दोगुनी हो जाएगी? अर्थमेटिक्स हम लोग भी पढ़े, किसान भी पढ़े, वो बेचते हैं तो जानते हैं कि क्या प्राइस मिलेगा, अब कितने पैसे इससे मिलेंगे। किसी विद्यालय खोलेंगे ला करके हम कहेंगे कि निराशा हाथ लगी है इस बजट से, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, फिक्स सैलरी वालों को कोई राहत नहीं, किसानों के बारे में विशेष चर्चा नहीं, आय तो कैसे दोगुनी होगी इनकी, कैसे दोगुनी या डेढ़ा जो भी हो उसकी चर्चा नहीं, ये सब चारे, ये सब चीजें हैं जो अस्पष्ट हैं बजट में, इसलिए हम कहेंगे कि ये बजट अस्पष्ट है, निराशाजनक है। सर एमएसपी आय बढ़ाने का राज्यों को कोई जिक्र नहीं है,
एक ही आय था कमर्शियल टैक्सेस के तहत, वैट के तहत आपने ठीक है देश हित में लिया, जीएसटी बना दिया, सब्स्यूम कर लिया हमारे टैक्सों को, राज्य के टैक्सों को, और कहा कि 14% ग्रोथ के हिसाब से आपको कंपनसेशन देंगे 22 पे, इसी साल के 22 जून में खत्म हो जाएगा। हम कहां से खर्च करेंगे ये राज्यों को बताना चाहिए था, एक लाइन बोल देना था आदरणीय वित्त मंत्री जी को कि 22 जून को जो खत्म हो रहा है कंपनसेशन, हमारी मांग है, सब राज्यों की मांग है कि कंपनसेशन को फिर अगले 5 साल तक बढ़ाया जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं है। हमारी आय कहां से, हम कहां से देंगे? अब तो पत्र भी लिखे हैं, पत्र भी लिखे हैं, हम पत्र भी लिखे हैं हम लोग राज्य सरकार की ओर से, तो कुल मिला जुला के हम कहेंगे 5 साल का एक्सटेंशन चाहिए। हाँ, अपना दिखाते हैं, पिछले बजट में जो कहे थे उनको तो चाहिए था पहले बताना कि मतलब पिछले बजट में ये कहे था हमने कर दिया, ये शुरुआत ही किया, ये बताना चाहिए थे शुरुआत किया भाई, बजट पिछले बजट में हमने ये कहा था, व्यवस्था की थी, प्रावधान किया था, इसका शुरुआत ऐसे हुआ, तो पीछे के बजट को टोटल भूल करके नई बातें कहते हैं जिसका ओर छोड़ नहीं। एक सब प्रक्रियाएं डिक्लेरेशन वगैरह की प्रक्रिया है अपने आप होती है, एक बार जो शुरू हुई राजीव गांधी जी ने शुरू किया आईटी में काम, आज देखिए कहां से कहां बढ़ गया, किसी को बोलने की जरूरत है, वो तो डिसीजन अपने आप बढ़ता चला जाता है, शुरुआत होती है जहाज उड़ता शुरू करता है उड़ना ऐसे, अब इसका अपने आप और चला जाता है ऊपर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि अब उसको, ये है कि उस सबको कोई मतलब नहीं, जो ठोस चीजें हों, व्यवहारिक चीजें हों, उनकी बात कीजिए और लक्ष्य दीजिए कि इतना दिन में हम तो समाप्त करें, 25 साल कोई लक्ष्य नहीं होता, 25 साल कहां रहिएगा, 5 साल के बाद आप कहां रहिएगा, 25 साल के बाद क्यों करते हैं,